आप सर से बात करते हैं। वैसे तो चुनावी चर्चा चल रहा है, लेकिन अभी चुनाव को थोड़ा सा साइड रखते हैं और जन्मदिन से रिलेटेड बात करते हैं। सर, सुबह से तो कॉल की लाइन लग गई होगी। जी जी बिल्कुल, सभी हमारे जो दोस्त मित्र हैं सभी लोग बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं। मेरे मन में भी एक हमेशा सवाल आता है कि निरहुआ जी का बचपन में कैसे जन्मदिन मनता था, इसके बारे में कुछ बताइए। बचपन में जन्मदिन नहीं मनता था क्योंकि पता ही नहीं था। और मुझे जन्मदिन मेरा पता ही नहीं था कब है। जब हम लोग CCL खेल रहे थे तो हमारे मनोज तिवारी भैया हैं, उनका 1 तारीख को बर्थडे है, तो उन्होंने पूछा कि तोर बर्थडे कब बा, तो हम बोलने कि पता ना बा भैया, तो बोले कि अरे हमरो पता नहीं खे, हम पासपोर्ट में जो लिखल बा डेट वह मनाई ले। तो हम लोग पासपोर्ट में बताए कि 2 तारीख है, तो बोले हमारे 1 तारीख तो हर 2 तारीख, तो अच्छा, वहाँ से मनाना शुरू कर दिए। शुरू हुआ CCL में अभी मतलब 3-4 साल पहले। जी मतलब देखा जाए तो भैया हमारे इतने बड़े सुपरस्टार 3-4 साल से मात्र बर्थडे मना रहे हैं अपना, और ये अच्छा आइडिया है सर। अगर आपको अपना बर्थडे नहीं याद है तो जो आपने पासपोर्ट पे बना रखा है या फिर जो आधार कार्ड पे डेट है उससे बना सकते हैं। सर, उसके बाद कोई ऐसा सरप्राइज जो आप हमसे शेयर करेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि गांव में जो लोग भी पैदा होते थे लगभग उनसे पूछेंगे तो उनका बर्थडे उनको नहीं पता होगा, नहीं घर वाले याद रखते थे या नहीं लिखते थे उस समय, तो ये संयोग ही है कि मनोज भैया का और मेरा बर्थडे दोनों एक एक दिन के अंतराल पे है। तो यही सरप्राइज तो यही था कि मनोज भैया का बर्थडे हम लोग मना रहे थे और वहीं से फिर मेरा भी बर्थडे शुरू हो गया। और कल ही मनोज जी का बर्थडे था और आप दिल्ली में भी हैं, तो कुछ खास प्लानिंग आज का? अभी तो मैं जा रहा हूँ, मनोज भैया से मिलने ही जा रहा हूँ, अभी उनसे बात हुई तो अभी मिलेंगे हम लोग, क्योंकि उनको भी प्रचार में निकलना है, मुझे भी प्रचार में निकलना है। बिल्कुल, बिल्कुल, दिल्ली चुनाव में है तो। जी जी जी